जश्न की मनाने के बाद इस पर मैं बच्चों से कहताओं की हम ही नहीं है सिर्फ यहाँ इंतजार के, हम ही नहीं है सिर्फ यहाँ इंतजार में करके वजू मसीह खड़े हैं इंतकार में, करके वजू मसीह खड़े हैं कतार में। क्या बात है, पानी पे आके मौला मुसल्ला बिछाइए, हर खुशबू दर है आपके ही अख्तियार में, हर खुशबू दर है आपके ही अख्तियार में। सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा प्यार में, कर जाएगी ये उम्र फकत इंतजार में। सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा प्यार में, कर जाएगी ये उम्र फकत इंतजार में। बचपन गया शबाब चला पीरी आ गई, बचपन गया शबाब चला पीरी आ गई, पलके मगर बिछी है अभी वैसा, फिर नादे अली जारी है। हालात के न्यूज चैनलों के जरिए देख रहे हैं, लब पे इस्लाम के फिर नादे अली जारी है, आज फिर वक्त के मरहब का असर तारी है, आज फिर वक्त के मरहब का असर तारी है, वारिसे हैदरे करार मदद को आ जा, वारिसे हैदरे करार मदद को आ जा, आज फिर भागने वालों की आमदनी, एक दूसरा बोला कि जहूर हो जाए, कि नमाज हो, तस्मीन लगाने की कोशिश की थी, दुआ करो कि जहूरे इमाम हो जाए। मैं अपने चाहने वालों के दरमियान ये चाहने से एक मैसेज की तरह देना चाहता हूँ, बतौर खास तस्मीन लगाई थी, सर तस्मीन खदावर है, अहले इल्म और दानिशों का मजमा बड़ी उम्मीद है आपसे करेंगे, दुआ करो कि ज़हूरे इमाम हो जाए, बोला ऐसा फरमाएंगे कि नमाज हो रोजा हो हज हो ज़कात कुम्स हो जिहाद, अमल का पहले शमीम इहतमाम हो जाए, किया है दस बातें मुस्तफा, जब नकाबे उठेगी फर्क ना।
मुलाहजा फरमा ले। अर्ज करता हूँ कि इसको दोबारा पढ़े जब हक से बातिल का कभी जब सामना हो जाएगा, देख लेना खुद ब खुद बातिल फना हो जाएगा। इसका हक किसने किया है बस बाते मुस्तफा, जब नकाबे रुखे की फैसला फरमा ले। पहले चूंकि मुझे मेरे जहन में भी आया, हमारे यहाँ पे होटल विभाग में मौलाना अब्दुल रजूर साहब ने तकरीर में कहा कि जब अबू बकर बगदादी ने अपने खिलाफत का ऐलान किया, मैं ज़्यादा तमीज़ बताने की उसमें कायल नहीं, लेकिन जब तक नहीं बताऊंगा शायद आपको, जब उसने ऐलान किया कि मैं खलीफा बन रहा हूँ, अपने खिलाफत का ऐलान कर रहा था जाहिर, तो यहाँ इस हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर जो कुछ प्रोफेसर भी हैं, जिन्होंने इस बात को तस्लीम किया और खत में लिखकर भेजा कि मैं तुम्हारी तकलीफ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी खिलाफत को कबूल कर रहा हूँ। फरमाए जहाँ एक मुखरबत अल्लाह में होता है वो इन जाहिलों की कभी पसती नहीं करते, और जो लोग इस तरीके के होते एक बार सरदार पटेल को अपनी बात अगर हकीकत के पस मंजर में ये शेर हो जाए और आप तक पहुँच जाए, आपके दिल तक छू जाए, तो मुझे कौन नवाजेंगे कि करबला को देखेंगे साहब, जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं वो कभी ऐसे ख्याल नहीं रखते, जो करबला से दर्द लेते हैं वो कभी इस तरफ नहीं जाते, करबला को छोड़कर जाते हैं जो बगदाद को, करबला से होकर जाते हैं उनसे कोई शिकायत नहीं, करबला को छोड़कर जाते हैं जो बगदाद को, वो बढ़ावा दे रहे हैं आज आकर बात को। जो भी आशना हो मकसद शब्बीर से, बोलता है जो भी आशना है मकसद शब्बीर से, वो कहां निकलेगा बगदादी तेरी इमदाद को, तेरी इमदाद को वो कहां निकलेगा बगदादी तेरी इमदाद को। शेर गिराओ मजार बतौर खास देखेंगे, मैसेज है कि हुर को सीने से लगाए हैं हुसैन इब्ने अली, हुर को सीने से नौजवानों खासतौर से मुतवज्जे रहे आप, हुर को सीने से लगाए हैं हुसैन इब्ने अली, अम्र का पैगाम है ये जुल्म मस्जिद को, पैगाम है और हर मस्जिद में जो इनकी हुकूमत चल रही है हर जगह ये बोलती है, पहुंचे रहते हैं मस्जिद मस्जिद, मुलाजा फरमा ले मस्जिदों से सलवात पढ़ते बाबा से को उनकी औलादों से मस्जिद की तहफ्फुज़ का गुमान, शेर आएगा न जाने दीजिएगा, उनकी औलादों से मस्जिद की तहफ्फुज़ का गुमान, अरे पेड़िया जिसने पिलाड़ी से ये तक सजा कर अपना गला कटाते हैं, अजल की गोद में लुत्फ हयात पाते हैं, ये बस हुसैन के बच्चों का हौसला है, जमीन गले पर तीर भी खाए तो नजर मौत से मिलाते हैं।
नीचे लोग होंगे उतनी गुरबत हासिल होगी। देखिए ये चार मिसरे बता रहे, खास मुलाजा फरमाने की इस्लाम इस्लाम मिट रहा था, इस्लाम मिट रहा था, इस्लाम मिट रहा था कर्बला में जाके, इस्लाम मिट रहा था कर्बला में। इमाम हुसैन इमाम है, वक्त के हालात को बेहतर जानते हैं। अली असगर को लाने का मकसद फरमाया था कि इस्लाम मिट रहा था कर्बला में जाके, मक्तल से लेके आए असगर उसे बचा के। शाम में फिर बात कर दिया, आगे जाके शाम में फिर बात।
फिर वहां करके देखेंगे कि तेले जुबा से काट के बातिल के हौसले। एक बार बेदारी का सबूत देते हुए सलवार पड़ता है बड़े के बातिल के हौसले आबिद ने कसरे शाम को मक्तल बना दिया। बे वक्त की अजान दिलाने लगा यजीद, बे वक्त की अजान दिलाने लगा यजीद। अली का नाम जो हम बार बार लेते हैं वो जाने किस लिए चेहरा उतार लेते हैं, अरे नबी ने हमको सिखाया है अली कहना, तो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं। सजा के घर में अजा खाने हुसैन शहीद हम अपने घर का मुकद्दर संवार लेते हैं। सजा के घर में अजा खाने हुसैन शहीद हम अपने घर का मुकद्दर सजा हम अपने घर का मुकद्दर संवार लेते हैं, तो बिछा के फर्श मजालिस हुसैन की हम लोग पैगंबरों को जमीन पर उतार हैं। लड़ने कभी करबला नहीं आए, सुखों की सांस कभी ना पकड़ लेती हुसैन, लड़ने कभी करबला नहीं आए। तीसरे चौथे मिसे की तबीयत में दूर मिसे थे हुसैन, लड़ने कभी करबला नहीं आए, सुकून की सांस तभी ना बकार लेते हैं वगरना अपने परों को समेटते हैं मलक ये लोग हाथ में जब जो फटा लेते हैं कटा भी सर हो तो नेजे पे बोल देता है, कटा भी सर हो तो नेजे पे बोल देता है, ये अपने हाथ में जब हथियार लेती है। यजीद तेरी तो
हुकूमत है यजीद अपने ही बेटे को तो बदल न सका। हुसैन हुर को बुलाकर सुधार लेते हैं, हुसैन हुर को बुलाकर सुधार लेते हैं, तो हुरमुला अली असगर से आके आ जाते हैं। तू हुरमुला अली असगर से आके आ जाने हसी हसी में ही ये सर उतार लेते हैं।